और अगली खबर आगरा से, जहां थाना मंटोला क्षेत्र के डोली खार में मकान गिरने की खबर मिल रही है। मकान गिरने से मलबे में 3 लोग दब गए हैं। मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। मलबे में दबकर 3 लोगों की मरने की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें आगरा से। नितिन उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए। नितिन, क्या अपडेट है आपके पास? क्या रेस्क्यू किया गया है? मलबा हटा लिया गया है? देखिए, आगरा से आज दूसरी एक ऐसी खबर आई है जिसने, कहा जाए, बहुत ही दर्दनाक खबर है। आगरा के थाना मंटोला इलाके के डोली खार जो इलाका है, वहाँ एक पूरा पुराना जर्जर मकान है, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। और रात में और शाम को कल जिस तरीके से बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो ऐसे में 3 लोग मलबे में दबे हुए हैं और जो आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए, अभी जो सबसे ज़्यादा जो प्रशासन की प्रायोरिटी है कि जो मलबे में दबे लोग हैं, वो उन लोगों को किस तरीके से सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन जो संभावना जताई जा रही है कि शायद उनमें से उन लोगों की जान चली गई है। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका है, पुराना ये घर था ढोलीकार। आगरा का एक ऐसा इलाका है जो अल्पसंख्यक बाहुल्य, जहाँ बहुत ज़्यादा घनी बस्ती है। तो कुल मिला के उस पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और पूरा पुराना कच्चा, कई वर्षों पुराना ये मकान था, और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उन 3 लोगों को जो दबे हैं, उनके, कहा जाए, उनकी बॉडी को निकालने की कोशिश इस समय लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और अगली खबर आगरा से, जहां थाना मंटोला क्षेत्र के डोली खार में मकान गिरने की खबर मिल रही है। मकान गिरने से मलबे में 3 लोग दब गए हैं। मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। मलबे में दबकर 3 लोगों की मरने की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें आगरा से। नितिन उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए। नितिन, क्या अपडेट है आपके पास? क्या रेस्क्यू किया गया है? मलबा हटा लिया गया है? देखिए, आगरा से आज दूसरी एक ऐसी खबर आई है जिसने, कहा जाए, बहुत ही दर्दनाक खबर है। आगरा के थाना मंटोला इलाके के डोली खार जो इलाका है, वहाँ एक पूरा पुराना जर्जर मकान है, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। और रात में और शाम को कल जिस तरीके से बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो ऐसे में 3 लोग मलबे में दबे हुए हैं और जो आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए, अभी जो सबसे ज़्यादा जो प्रशासन की प्रायोरिटी है कि जो मलबे में दबे लोग हैं, वो उन लोगों को किस तरीके से सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन जो संभावना जताई जा रही है कि शायद उनमें से उन लोगों की जान चली गई है। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका है, पुराना ये घर था ढोलीकार। आगरा का एक ऐसा इलाका है जो अल्पसंख्यक बाहुल्य, जहाँ बहुत ज़्यादा घनी बस्ती है। तो कुल मिला के उस पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और पूरा पुराना कच्चा, कई वर्षों पुराना ये मकान था, और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उन 3 लोगों को जो दबे हैं, उनके, कहा जाए, उनकी बॉडी को निकालने की कोशिश इस समय लगातार जारी है। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।